बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति तक के लिए परेशान हैं, तो बताइए आज कितने साल पहले बाबा साहब चले गए और आज भी उनके मूर्ति तक के द्वेष करते, तो वो आदमी कैसा होगा वो शख्स कि आज मूर्ति से भी डर रहा है और उनके घरों तक ईंटों तक उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर के पर अटैक करने वाले को भी मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर को मिटा दोगे। उनका समाज आज विश्व में फैला हुआ है, चाहे कनाडा जाए, चाहे वो लंदन जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, आज बाबा साहब की मूर्तियाँ और बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज माने गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह बाबा साहब ने निर्माण किया था और उनका राजगृह नाम दिया था कि उस टाइम ऐसी स्थिति थी कि बाबा साहब अकेले पढ़े लिखे थे और उतनी बड़ी बिल्डिंग बाबा साहब ने बनाई थी। और आज उनका परिवार विराजमान है, उनके पौत्र भी हैं, पुत्रवधु भी हैं, मीराताई अंबेडकर हैं और उनके प्रकाश अंबेडकर, आनंदराज और भीमराव ये, और उनकी पोत्री भी रमाबाई है जिसका तेल तुमड़े के घर में शादी हुई, उनको पीछे भीमा कोरेगांव के प्रकरण में भी अरेस्ट किया गया था। ये जानबूझकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार पे और उनके घर पर अटैक का मतलब ये सीधा हमारे समाज पर अटैक है। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की समाज है उन पर सीधा सीधा अटैक है। बाबा साहब अंबेडकर के अगर मकान पर हमला किया तो देश के संविधान निर्माता के बिल्डिंग पर हमला किया, संविधान पर हमला है ये। पर लोग इस समझते नहीं हैं बाबा साहब अंबेडकर को। जब तक मुझे तो पता था कि बाबा साहब की एक लाइन पढ़ने को नहीं मिलती थी, जब से 92 तक तो मुझे ऐसा लगता था कभी बाबा साहब की खबरें भी नहीं आती थी। हमारा आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विद्यापीठ के लिए 1974 में रहा और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम देना चाहिए उसमें हमारे गृहस्थ जीवन के भाई जो थे वो भी 14 दिन सापारा के जेल में रहे थे, वहाँ जेल में बंद कर दिया गया। तो आज हमारे व्यवस्था में किसी को फांसी के काटों के फांसों पे जलाया गया, शेरगढ़ी कांड आपको पता है, बाबा साहब के मूर्ति के प्रकरण में वहाँ शेरगढ़ी कांड में गोलियाँ चली, रमाबाई घाट को पर का पता है और कुम्हेर कांड पता है, 92 के लगभग की सारी दलित समाज के घर जलाए गए थे। तो ये व्यवस्था इन लोगों को लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग यहाँ नहीं होना चाहिए और उनका नाम निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति तक के लिए परेशान हैं। तो बताइए आज कितने साल पहले बाबा साहब चले गए और आज भी उनके मूर्ति तक के द्वेष करते, तो वो आदमी कैसा होगा वो शख्स कि आज मूर्ति से भी डर रहा है और उनके घरों तक ईंटों तक उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर के पर अटैक करने वाले को भी मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के घर को मिटा दोगे। उनका समाज आज विश्व में फैला हुआ है, चाहे कनाडा जाए, चाहे वो लंदन जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, आज बाबा साहब की मूर्तियाँ और बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज माने गए हैं विश्व के। और वहाँ बाबा साहब जैसे, तुम्हें गौरव होना चाहिए भारतीय लोगों को कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान सपूत हमारे भूमि पर पैदा हुआ है जिससे सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने दिया है। तो ये देखना है कि हम गौरव की बात नहीं करते, ऐसा ही बुद्ध की बात है, बुद्ध का भी विश्व में धम्म चला गया है और विश्व में धम्म जाने के बावजूद वहाँ गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे भूमि से हमने मार्गदर्शन करके मैत्री का संदेश दिया, भाईचारे का संदर्श दिया, समता का संदेश दिया, सबके प्रति एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं और हमें युद्ध नहीं और हमें बुद्ध चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो आज हमें ज्ञान चाहिए और ज्ञान के रास्ते में जाकर हम चांद और पृथ्वी तक का खोज कर। मैं बहुजन समाज से ये भी अपेक्षा करती, OBC ST और SC, OBC अभी तक जागा नहीं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि हम क्या हैं। ST जंगल में रहने वाला उन पर अत्याचार होते हैं, उनके ज़मीन पर अत्याचार, उनकी ज़मीनें जंगल छीना जा रहा है वो रहने की, और ये अपने कंपनियां वहाँ खोल रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल रहे हैं पूंजीपति लोग जाकर। तो ये OBC, SC और ST
तीनों ही शूद्र हैं और तीनों को भी एक साथ आना चाहिए। बहुजन समाज जब तक नहीं जागेगा और जब तक उनके मन में ज्वाला नहीं उठेगी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वो समझेंगे नहीं संविधान को, तब तक इस व्यवस्था ऐसी रहेगी, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के घर पर ईंट पत्थर फेंकें, चाहे आपके झोपड़ी पे आग लगाई जाए। मैंने कहा ना कुमारकांड की लड़ाई है, वो आंदोलन मैंने 92 में हमने बहुत प्रदर्शन किए, पूरे घर जलाए गए थे, कुमारकांड की बात है। तो ये है, तो आज के आंदोलन में नहीं, हमें आरक्षण के मुद्दे में हमें मरना पड़ा, गोलियां चली, आंसू गैस तक छूटे गए, हमें यूं ही नहीं मिलता है 10% आरक्षण। ब्राह्मणों ने कौन सा आंदोलन किया था जिसको 10% आरक्षण दिया गया है? तो आज मैं आप लोगों को यही कहती हूँ और बहुजन समाज समझे, आप शेड्यूल कास्ट से जातिवाद ना करें। जाति का कलंक जिसको पूछो कितना दर्द होता है, कि भेड़ बकरे की जाति है, पशु पक्षी की जाति है, मनुष्य की योनि जो पैदा होने की तरीके एक हैं, मनुष्य योनि का एक अलग तरीका है, और सबका चाहे ब्राह्मण से लेकर कोई भी हो, सबके लिए जन्म के एक रास्ते हैं। ना कोई मुँह से पैदा होता और ना कोई पेट से पैदा होता, ना कोई कमर से पैदा होता है। तो ये है, तो और कोई नहीं, ऊंच नीच ताश की दीवान जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक भारत में ये जो बहुजन समाज सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। थोड़ा भी कुछ हो जाता तो इस प्रकार से आप आंदोलन छेड़े जाते हैं। तो ये जो बातें हैं कि बहुजन समाज को मेरी विनंती है, और मैं कहती कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धरावर को आप संभल कर रखो, क्योंकि आपके लिए नहीं तो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कि क्षत्रिय राज करेगा, बनिया ही वैश्य का काम करेगा और ब्राह्मण उनको मार्गदर्शन करता रहेगा। क्या लड़ाई करनी है, नहीं दिया दिशा निर्देश देना, नक्षत्र कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो लोग आपको जय अभी चाइना इधर आ रहा है, इधर पाकिस्तान घुस रहा है, कारगिल का कल परसों ही आपको पता है कि कारगिल की बरसी हो गई है। तो इसी प्रकार चाइना को भी अपने आज कितने लोग हमारे शहीद होते हैं मिलिट्री में, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी मिलिट्री वाले की बेटी थी, आज भिक्षुणी बन गई हूँ। और जिस टाइम 71-72 की लड़ाई हमारे भाई EME में थे, वो वहाँ रनगाड़े लेकर ठीक करने जाते थे कारगिल में, और पिताजी हमारे ड्यूटी पे जाते थे और 24-24 घंटे आते नहीं थे। हमें पता है मिलिट्री वालों का जीवन क्या होता है, तो इसीलिए ये लोग समझें। और इसी प्रकार जो अपने बहुजन समाज जागें और देश की रक्षा करें, नहीं तो इसमें कुछ नहीं बन पाएगा, वही आप भी गले में गड़गा कमर में झाड़ू आने में वक्त नहीं लगेगा। और इसी के साथ मैं जय भीम करती, जय भारत, बहुजन समाज के लिए मेरी मंगल कामना, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।